हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंपल ग्राफिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमारा मेजरमेंट यूनिट पिक्सल पे सेट कर दिया है और टेंटेटिव साइज ले लिया है 900 पिक्सल्स बाय 1500 पिक्सल्स, जो अब आपके हिसाब से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, उससे हमारे पेज को एक बॉर्डर आ जाएगी। ये बॉर्डर हम थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं और कंट्रोल क्यू दबाकर उसे कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेते हैं। फिर F10 से शेप टूल सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ऊपर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक नोड ऐड करेंगे, फिर यहाँ हम सी से कर्व्स कर देंगे, स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से फिर से एक स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और इसे यहाँ से हम इंटरसेक्ट कर लेंगे। इसे थोड़ा सा नीचे सेट कर देते हैं और यहाँ से हम इसे ट्रिम कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से एक लोगो डिज़ाइन करके रखा है, हम इसी के यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं इसकी और एक कॉपी निकल लेता हूँ। और इसमें ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ, जी शॉर्ट की है ग्रेडियंट टूल का। और इसे शिफ्ट पेज डाउन से इसकी ऑर्डर चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमारे इस रेड ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। और एक कॉपी निकाल लेते हैं अंदर, यहाँ से सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इसे थोड़ा सा ड्रॉप शैडो इफेक्ट आ जाए। यहाँ पर हम फिर से स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करके अल्ट की दबाने से और फिर से क्लिक करने से पावर क्लिप के अंदर जो इमेज होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी और हम उसे एडिट कर पाएंगे, उसका साइज, उसकी पोजीशन हम एडिट कर सकते हैं। हम न्यूमेरिक पैड पर जो प्लस की है वो दबाकर हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी फिर से निकालते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे सेट कर देंगे। हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल R दबाएंगे ताकि इसके अलाइनमेंट चेंज हो जाए।
कंट्रोल बी दबाने से ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके मैं पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इन मेनूज को बुलेट पॉइंट्स दे सकूँ। यहाँ पर से हम बुलेट टू टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। इसकी यहाँ पर और एक कॉपी निकल लेता हूँ। और ये नोटपैड से टेक्स्ट कॉपी करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ये अलाइनमेंट या फिर ये बुलेट्स की सेटिंग फिर से ना लगानी पड़े। बाद हम शेप को सिलेक्ट करके पी दबाएंगे और हम इसे टर्न कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसे फिर से इंटरसेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल पेज डाउन से इसकी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक और इसकी कॉपी निकालेंगे इन दोनों को सिलेक्ट करके बी प्रेस करेंगे जिससे इसका बॉटम अलाइन सेम हो जाएगा, बॉटम अलाइनमेंट सेम हो जाएगी इसकी। तो लीजिए हमारा मेनू कार्ड अब रेडी है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।